स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अपडेट्स या कुछ नया स्ट्रेटेजी कुछ बना रहे हैं अभी? हमने 2 वीक पहले एक वीडियो बनाया था अपार इंडस्ट्री में, 1200 रुपये में जो था तब मैंने वीडियो बनाया था। ऐसे ही स्टॉक हम 900 रुपये से आपके चैनल में देते हुए आ रहे हैं, और वीडियो हमने थोड़ा सा लेट बनाया, 2500 का टारगेट दिया है, 2400 रुपये पार हो गया था कल, आज 1390 है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, पर 1400 का क्रॉस करके चला गया था स्टॉक। तो आप देखो 1200 से 1400 भी 2 वीक के अंदर हुआ है, 15% का रिटर्न आ गया से। तो चौदह सौ शॉर्ट टर्म अठारह जो का मेरे टारगेट था ख्याल से 1400 हाई लगा, जी सर। 14-18 का शायद हाई लगाया है, 52 वीक हाई जी है जी उसका, जी जी और वो वही ये वही कंटिन्यूअस सर आपके अपनी अभी बना रहेगा सर। सर कंटिन्यूअस आपके रिकॉर्ड के ही हिसाब से चल रहा है। जैसे आप जिन चीजों को पकड़ते हैं और वो 52 वीक हाई लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी है, अपार इंडस्ट्रीज ने भी 52 वीक हाई लगाया है। सर अगर मैं हूं तो बना रहा हूं, ये तो मैं समझ गया, अगर नहीं हूं तो क्या एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक छोटी सी तो डिप आई है कल से और आज में। सर अगर आपको होराइजन 15 दिन 20 दिन का है तो रिस्क ही ट्रेड हो जाएगा। अगर आपका होराइजन 6 महीने का 2500 का टारगेट लेके करना है तो आराम से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 100 रुपये टूट भी जाता है। ठीक है, बहुत सारे दर्शक आपको उसके लिए थैंक यू कह रहे हैं, लोकेश जी के अपार इंडस्ट्रीज के लिए भी, और मुझे थैंक यू इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपको चैनल पे लेकर के आता हूँ, बुलाता हूँ, तो वो तो लोकेश जी का आभार है, वो आ जाते हैं, समय दे देते हैं, वरना मेरे क्या अभी साथ। ठीक है सर, ये अपार इंडस्ट्रीज हो गया,